प्राधिकरण की सूची जारी की जा चुकी है। विधायक गुरु खुशवंत साहेब अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश जारी हो गया। तो देखिए, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि विकास प्राधिकरण की लिस्ट आउट हो गई है। गोमती साई को बड़ी जिम्मेदारी है। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नियुक्त की गई है। लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर को पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा किसको क्या कुछ जिम्मेदारी मिली ये भी आपको बता दें। मड़वाही के विधायक प्रणव मरपच्ची मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये वो तमाम नाम है जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ये तमाम कुछ कैबिनेट के चेहरे नहीं बन पाए थे, ऐसे भी विधायक हैं जिन्हें अब प्राधिकरण में जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाया गया है। और INH की खबर पर मुहर, दो नाम जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था, हमने कहा था कि लता उसेंडी और गोमती साय, ये नाम आपको विकास प्राधिकरण में देखने को मिलेंगे। और अब आप ये सूची भी देख लीजिए, INH 24/7 की खबर, मुहर लग गई हमारी खबर पर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया, प्राधिकरण की लिस्ट आउट हो गई है। गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा गुरु खुशवंत साहेब को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में कई लोगों का नाम शामिल है। गुरु खुशवंत साहेब को अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष बनाया गया, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई। तो ये बड़ी खबर आपको हम छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गया और लंबा एक इंतजार रहा था। निगम मंडल में फिलहाल नियुक्ति का इंतजार और भी लंबा हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम प्राधिकरणों की बात करें तो विकास प्राधिकरण की लिस्ट सबके सामने आ गई है और INH न्यूज की खबर पर भी मुहर लग गई है। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, हमने ये खबर पहले ही कल दिखा दी थी, गोमती साय का नाम हमने पहले ही बता दिया था कि प्राधिकरण में हो सकता है। इसके अलावा हमने लता उसेंडी के बारे में भी जिक्र किया था, और इन दो नामों के अलावा कुछ और नाम भी इसमें शामिल है, और ये कुछ ऐसे विधायक हैं जो कैबिनेट में नहीं दिखाई दिए लेकिन अब प्राधिकरण में इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। क्या खबर है इस पूरी लिस्ट को लेकर, किस लिहाज से इस लिस्ट में लोगों को शामिल किया गया है, क्या कुछ सोच रही है बीजेपी की सरकार किसके पीछे? जी बिल्कुल, INH 24/7 ने कल ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि सरकार जो है वो जल्द ही प्राधिकरणों में जो है उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है, और आज जो है वो सूची जो है वो बाहर आ गई है। और जिसमें हमने तो नाम बताए थे, गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये सूची कुंडा गांव की जो विधायक है लता उसेंडी, उनको बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष वो बनाई गई है। इसके साथ ही जो गुरु खुशवंत साई जो आरंग विधानसभा से आते हैं, और पहला उन्होंने 2023 में जो है पहला विधानसभा चुनाव जीता है, और कांग्रेस के कद्दावर नेता को शिव कैरिया को इन्होंने हराया है। तो इनको जो है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही दुर्ग ग्रामीण के विधायक है ललित चंद्राकर, उनको पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की जो है उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही मरवाही विधायक जो प्रणय मरपच्ची जो मध्य प्रदेश जो विधायक है मरवाही के, उनको जो है मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो 5 विधायक तो पहली बार ठीक है। स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम छत्तीसगढ़ से बता रहे थे, जहां पर प्राधिकरण की लिस्ट जारी हो चुकी है।